हम जानेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन कैसे किया जाता है। जी बताइए। ये है, ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारा इनपुट साइड है, इसको हम बोर्ड में लगाएंगे। हाँ, और ये हमारा आउटपुट साइड आउटपुट है। लेकिन आउटपुट देखिए, हमारे तीन टर्मिनल है। एक को हम जो है अलग कर देंगे, दो से जो है आउटपुट लेते हैं हम। हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं, पहले लेते हैं चार डायोड। देखिए मेन कनेक्शन इसमें है, डायोड का देख फेल है। एक कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर जो हमारा है वो है, एक कैपेसिटर है, चार डायोड है। देखिए आप, चार डायोड है। इसका कनेक्शन हम करते हैं, इसमें दो पॉजिटिव जो सिरा होता है वो दो एक साथ करते हैं और दो नेगेटिव सिरा एक साथ, इस तरह इसको असेंबलिंग करते हैं। देख रहे होंगे आप। हाँ, क्या आपने बताया यहाँ पे? अब ये चार देखिए मेन, इसमें चार ये डायोड है जो मेन डायग्राम इनका कनेक्शन है। हाँ। देखिए आपने क्या बताया कि क्या बताया, बता बोलो। चार डायोड, दो पॉजिटिव सेम एक साइड जोड़ते हैं, दो नेगेटिव एक साइड। अब इसके बाद दोनों सिरा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव शेष बचता है, वो दोनों एक साथ। ये देखिए, और दूसरे का एक पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। एक देखिए, ये वाला हो गया, हरा वाला है। दो नेगेटिव एक साथ बाहर निकालते हैं, दो पॉजिटिव एक साथ बाहर आउटपुट लेते हैं हम। हाँ। दो पॉजिटिव एक सिरा बाहर और दो नेगेटिव से एक सिरा बाहर, ये हमारा आउटपुट निकल जाएगा। हाँ। और जो हमारा दो सिरा बचता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये चला जाएगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के एक वायर से, और जो एक पॉजिटिव नेगेटिव बचेगा वो ट्रांसफार्मर के दूसरे वायर से कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ बाहर से पल्सेटिंग डीसी अर्थात डीसी सप्लाई मिलती है माइनस से। देखिए भैया, मेन बहुत पॉइंट हमारा ये है कि देखिए प्लस माइनस में जो लोग जैसे मोटर या बल्ब में लगाएंगे तो जो कैपेसिटर वाला देखिए लगा होगा, देखिए वहीं से निकालेंगे। क्यों? मेन वाली कॉन्सेप्ट हमारा ये है, दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्यों नहीं निकाले। देखिए आपको ये ध्यान रखना बच्चों, जो कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर लगा होगा तो एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक सिरा नेगेटिव होगा। तो बस यहीं से बच्चों, एक ये देखिए हरा निकाल लिए हैं और ये यहाँ निकाल लिए हैं, तो इन दोनों को हम किसी बल्ब या मोटर में लगाएंगे तो क्या होगा, जलेगा, है ना। बस और जान लेते हैं कि इसमें देखिए कि जो डायोड हमारा होता है, डायोड देखिए थोड़ा सिंपल कुछ क्लियर कर लीजिए। देखिए इसमें जो डायोड है, डायोड में देखिए आगे थोड़ा वाइट वाइट जो चारों ओर सिल्वर लगा हुआ है ना। हाँ, वो जो देखिए आगे जो सिल्वर लगा हुआ है, ये आप पट्टी देख रहे होंगे, रुकिए एक मिनट। ये देखिए, ये जो आगे पट्टी आगे गोल गोल लगे, ये देखिए आप दिख रहा आपको, ये निगेटिव होता है और जो पीछे कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, पॉजिटिव रहता है ना। और थोड़ा दूसरे पर ये ध्यान देना आपको कि ये दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आगे अगर ये पट्टी वाला है गोल गोल आगे, तो इसमें भी आगे ये वैसे होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम दिखने में हो, जैसे ये वाला पीछे है वैसे दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, इस प्रकार हमें यहाँ डीसी मिल जाएगा जिसका यूज हम बैटरी चार्जिंग वार्जिंग में कर सकते हैं, बिना चार्जर बैटरी चार्जर से ही डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। हाँ। डायरेक्ट डीसी मिल सकता है। अच्छा।